हेलो स्टूडेंट, हम ज्योग्राफी में सेकंड बुक पर पहुंच चुके हैं। फर्स्ट बुक के हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 2 पे हम सेकंड बुक के पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट, आपको जो भी वर्क दिया जाता है प्लीज़ उसे आप देखिए कि क्या दिया है आगे चलकर, ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी। जो टेस्ट के लिए आपको बोला जाता है आप उसे दीजिए, ठीक है बेटा। और चलिए अब चलते हैं। सेकंड लेसन का नेम है हमारा प्रवास। प्रवास क्या है, इसके प्रकार, कारण और परिणाम। तो प्रवास क्या होता है, किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। प्रवास यानी कि पराय में वास करना। तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रवास दो तरह से होता है, एक आंतरिक प्रवास, नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जो प्रवास का आंतरिक प्रवास होता है वो होता है अपने ही देश के अंदर, शहर से शहर, गांव से गांव, अपने ही देश के अंदर जो स्थान की बदली की जाती है उसे बोला जाता है आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अपने देश को छोड़कर किन्हीं दिक्कतों की वजह से दूसरे देश में चले जाना। नेक्स्ट इज अप्रवास किसे कहा जाता है, जहाँ पर प्रवासी रहने आते हैं। अप्रवास, प्रवासी आ जाओ, तो अप्रवास क्या है, जहाँ पर प्रवासी रहने आते हैं उसे अप्रवास कहा जाता है। फोर्थ इज उत्प्रवास। उत्प्रवास क्या होता है, जहाँ से प्रवासी जाते हैं, प्रवासी जिस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। हरियाणवी लैंग्वेज में एक शब्द है उत, यानी कि निकम्मा, यानी कि निकम्मी चीज, जहाँ पर हमारे लिए कोई भी सुविधा सुख न हो, ठीक है। तो आई एम जोकिंग स्टूडेंट, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस वर्ड का यूज़ कर दिया है। उत्प्रवास होता है जहाँ से प्रवासी चले जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज प्रवास के कारण। प्रवास के कारण कौन कौन से हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष में हमें आकर्षित की साउंड सुनाई देती है, अपकर्ष। अपकर्ष में क्या होता है, अपकर्ष के अंदर जो होता है वो होता है रोजगार के अच्छे जो साधन होते हैं वो मिल जाना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपलब्ध होना, शिक्षा के, एजुकेशन के जो बेटर ऑप्शंस होते हैं वो प्रोवाइड हो जाना, ठीक है। और प्रतिकर्ष क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा, जहाँ पर अच्छे शिक्षा के साधन न हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं न हो, रोजगार के साधन न हो, और जहाँ पर आपदाएं आती रहती हों, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिकर्ष। इन्हीं दो कारणों से जो है लोग प्रवासी बन जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। नेक्स्ट है प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं कौन कौन सी है, गांव से गांव में, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, गांव से शहर में, गांव को छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर चले जाना, शहर से शहर। जब एक शहर में काम धंधा अच्छा ना चले तो हो सकता है वो शहर छोड़कर दूसरी जगह पर भी हमें जाना पड़े, शहर से गाँव में और शहर से गाँव में भी। तो गाँव से गाँव में जो ज़्यादा प्रवास होता है वो किन का होता है, लड़कियों का आता है। आसपास के जो गांव होते हैं उनमें उनकी मैरिज कर दी जाती है, उनका विवाह कर दिया जाता है। ऐसे ही शहर से गांव में भी कुछ लड़कियों की ऐसे ही शादी कर दी जाती है, या जिनके पास अच्छी ज़मीन जायदाद होती है, शहर में नौकरी में करने में उसको अच्छी इनकम प्राप्त ना हो, तो वो अपने गाँव में आकर अपनी खेती बाड़ी भी कर लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम कौन कौन से हैं, आर्थिक, जनांकीय, पर्यावरणीय, सामाजिक और अन्य परिणाम। सबसे पहला हमारा परिणाम है आर्थिक। जो आर्थिक परिणाम है प्रवास का वो पैसों से संबंधित होता है, जिसमें क्या करते हैं लोग, पैसा कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में लोग जब चले जाते हैं और वो पैसे जब अपने घर वालों को वो भेजते हैं, उनसे बच्चों की शिक्षा होती है, कंप्लीट होती है, जो उनके विवाह किए जाते हैं, मैरिजेस की जाती हैं, तो क्या उस पैसे को क्या बोला जाता है, हुंडी। क्या बोला जाता है, हुंडी बोला जाता है, उस पैसे को हुंडी बोला जाता है। नेक्स्ट है जनांकीय। जनांकीय तो मैं आपने पहले भी पढ़ा था और मैंने पढ़ाया भी था। जनांकीय क्या होता है कि जनसंख्या के कारण किसी देश की, किसी शहर की, किसी गाँव की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाना, घटना या बढ़ना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय जो प्रवास का परिणाम है वो क्या है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे,
नौकरी के लिए जाएंगे, शिक्षा के लिए जाएंगे, जैसे कि हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं, आपकी बुक में ये दिया भी हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, जो पर्यावरण होता है वो दूषित हो जाता है, वहाँ पर व्हीकल वगैरह इतने चलते हैं, तो ये प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम है। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। जब हम एक प्रवेश को छोड़कर दूसरे प्रवेश में जाते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह में हम जाते हैं, तो दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं हम। संपर्क में आने से क्या होता है, अपने हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनकी वेशभूषाओं की जानकारी करते हैं, तो उनसे जो बदलाव हमारे अंदर आते हैं उनको प्रवास का सामाजिक परिणाम बोला जाता है। अन्य परिणाम क्या है, जैसे गांव से जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो शहर में अच्छी एजुकेशन के लिए आते हैं, गांव में कहीं इंस्टीट्यूट अच्छे ना हो तो आजकल ट्रेनिंग के लिए शहर में आते हैं, सिटीज़ में कोर्सेज़ के लिए आते हैं, ठीक है। तो अन्य ऐसे बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज उद्गम। उद्गम क्या होता है, जहाँ से हम छोड़कर जाते हैं, जिस जगह को हम छोड़कर चले जाते हैं उसे बोला जाता है उद्गम। नेक्स्ट है गंतव्य। गंतव्य क्या है, जहाँ पर हम रहने के लिए जाते हैं उसे गंतव्य बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो ये कि यही हैं 9 के 9, और इसके अलावा जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं या अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।